हेलो गाइस स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में तो भाई पिछली क्लास में हमने किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर नंबर नाइन है उसका हमने लेक्चर वन किया था और हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तक कंप्लीट कर दिया था तो भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल मेम्रेन सेल मेम्ब्रेन की जब हम बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन मेनली होता क्या है सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाईलेअर ये क्या होती है लिपिड से बनी होती है लिपिड बाइलेयर की बनी होती है मेरे पास ये अब मेनली लिपिड क्या होता है मेरे पास आपका लिपिड में आता है मेरे पास आपका फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड की जब हम बात करते हैं तो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है मेरे पास आपका ये कुछ इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है मेरे पास आपका इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोफिलिक हेड ये होता है हाइड्रोफिलिक हेड और इसको हम बोलते हैं आपका हाइड्रोफोबिक टेल या इसको हम पोलर हेड भी बोलते हैं आपका ये क्या करता है वाटर को अट्रैक्ट करता है और ये क्या करता है वाटर को रिपेल करता है ठीक है जो मेरे पास आपका सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन इज सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर सेल मेम्ब्रेन मेरे पास सेमी परमिएबल नेचर की होती है मेरे पास आपका और एंड इंटरेक्ट आउटसाइड द वर्ल्ड और ये आउट वर्ल्ड आउटसाइड मतलब बाहर की ओर ये इंटरेक्ट करती है ठीक है अब बात करते हैं मेरे पास आपका सेमी परमीएबल और सिलेक्टिवली होता क्या है अगर मैं आपका सेमी परमीएबल की बात करता हूं सेमी परमिएबल में क्या होता है मेरे पास आपका वाटर के थ्रू पास हो जाता है वाटर पास बट सोल्यूट लाइक सोडियम एंड पोटेशियम भाई और भी हो सकता है ऐसे सोडियम एंड पोटेशियम डिड नॉट पास ये होता है मेरे पास आपका सेमी परमीबल बट सिलेक्टिवली क्या होता है मेरे पास आपका ना? अब आते हैं आता, है, selectively permeable. Selectively permeable आता है मेरे पास दूसरा आता है सिलेक्टिवली परमिएबल सिलेक्टिवली परमिएबल में क्या होता है मेरे पास आपका वाटर इसमें से पास हो जाता है वाटर पास बट सम सॉल्यूट पास सम सॉल्यूट पास वो जिसके इसमें चैनल प्रेजेंट होंगे जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ये हमारे है पास एक सेल मेम्ब्रेन होगी फॉस्फोलिपिड ये कुछ इस तरीके से लगे होते हैं बीच में कुछ ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं ये होते हैं और कुछ ये चैनल होते हैं जिसमें से सॉल्यूट और सॉल्वेंट पास होते हैं ये है मेरे पास आपका कुछ लिपिड बाई का ऐसा स्ट्रक्चर होता है ठीक है ये इस तरीके से होता है तो सेमी प्रमेबल क्या होता है मेरे पास जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वाटर है ना इसमें से वाटर पास होगा सेमी प्रमेबल में क्या होता है वाटर डायरेक्ट पास होता है बट जो मेरे पास आपका सोल्यूट होता है लाइक जैसे सोडियम पोटाशियम ये क्या होगा पास नहीं होगा सेमी सेमीप्रमिएबल से और सेलेक्टिवली प्रमेबल क्या होती है मेरे पास जैसे सेलेक्टिवली पर्मेबल में क्या होता है वाटर है वाटर तो डायरेक्ट पास होता ही होता है बट कुछ सोल्यूट पास होंगे लाइक like जैसे सोडियम सोडियम वही सोल्यूट पास होंगे जिनका चैनल प्रेजेंट होगा जैसे यहां पे सोडियम का चैनल है तो ये यह सोडियम यहां से पास होगा उसको बोलते हैं हम आपका सिलेक्टिवली परमिएबल ठीक है उसके बाद क्या आता है मेरे पास आपका एक और पॉइंट है इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट वो क्या है मेरे पास आपका सेल मेमब्रेन इज दिमिलियर in structure and function in both prokaryotic and eukaryotic cell जो सेल मेम्ब्रेन होता है मेरे पास वो सिमिलियर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन करता है मेरे पास आपका बहुत प्रोक्रियोटिक एंड यू क्रियोटिक सेल में ठीक है सबसे पहले हमने स्टार्ट किया आपका सेल मेम्ब्रेन जो मेरे पास आपका सेल मेम्ब्रेन था सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है लिपिड बाइलेयर से बना होता है लिपिड में कौन सा होता है फॉस्फोलिपिड उसके हेड को बोलते हैं पोलर हेड जो वाटर को अट्रैक्ट करता है मेरे पास आपका वाटर को अट्रैक्ट करता है ये हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो वाटर को रिपेल करती है सेल मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल इन नेचर की होती है मेरे पास आपका एंड इंटरेक्ट करती है आउटसाइड द वर्ल्ड सेमी परमिएबल क्या होता है मेरे पास आपका वाटर पास बट सॉल्यूट डिड नॉट पास एंड सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब क्या होता है वाटर पास बट सम सॉल्यूट पास वो भी जिसके चैनल प्रेजेंट होंगे ठीक है ना सेल मेम्ब्रेन इज अ सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन बोथ प्रो क्रियोटिक एंड यू क्रियोटिक सेल सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है इसका दोनों जगह प्रोक्रियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में और एक एनसीआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है जो मेरे पास आपका सेल मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिबल इन नेचर ये लिख रखी है मेन लाइन सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है सेमी परमिबल इन नेचर की होती है और तो जो मेरा आपका नेक्स्ट डायग्राम है नेक्स्ट डायग्राम में हम तीन चीजें पढ़ेंगे सबसे पहले सबसे पहला सरफेस स्ट्रक्चर आता है अब हम सरफेस स्ट्रक्चर पे आते हैं सबसे पहला जो मेरे पास आपका सरफेस स्ट्रक्चर है उसमें आता है फ्लैजेला सबसे पहला पॉइंट फ्लेजेला क्या सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया क्या फ्लैजिला सारे के सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं तो इसका आंसर है फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल क्या यूकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला होते हैं तो इसका आंसर है यस फ्लैजेला इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल तो इसका आंसर है यस ठीक है तो अगर मेरे पास आपका फ्लैजेला फ फ्लेजेला इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया तो नो फ्लैजिला प्रेजेंट यूक्रियोटिक सेल हाँ होता है फ्लैजिला ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोक्रियोटिक सेल तो ये भी होता है ठीक है ना अगर मेरे पास जो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है बैक्टीरिया मूवमेंट थ्रू फ्लेजिला अगर बैक्टीरिया की मूवमेंट मेरे पास फ्लैजिला के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलते हैं आपका एक्टिव मूवमेंट अगर बैक्टीरिया की मूवमेंट मेरे पास हो रही है थ्रू वाटर यानि कि बैक्टीरिया जिसे वाटर के साथ बह रहा है उस मूवमेंट को हम बोलते हैं आपका पैसिव मूवमेंट। अब हम थोड़ा फ्लैजिला के बारे में हल्का सा डिटेल में बात करते हैं फ्लैजिला की जब हम बात करते हैं तो फ्लैजिला ये एक सरफेस स्ट्रक्चर है सरफेस स्ट्रक्चर है किस में हेल्प करता है हेल्प इन मोटेलिटी ये किस में हेल्प करता है मोटिलिटी में हेल्प करता है मोटिलिटी यानी कि मूवमेंट में हेल्प करता है इफ सेल इज मोटाइल अगर लिखा है सेल मोटाइल है अगर सेल मोटाइल है मतलब उसमें फ्लेजेला इज प्रेजेंट अगर लिखा है इफ सेल इज नॉन मोटाइल उसका मतलब है फ्लैजिला उसमें एबसेंट है ठीक है ना यूक्रेट्स में भी फ्लैजिला होते हैं मेरे पास आपका तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आता है यूनिसेलुलर यूक्रेट्स का एग्जाम्पल है कलमाइडोमोनास कलमाइडोमोनास ये प्लांट किंगडम में आएगा इसमें मेरे पास आपका फ्लैजिला प्रेजेंट होता है इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से ये फ्लैजला इसमें लगे होते हैं दो फ्लैजला लगे होते हैं ये इसमें फ्लैजला होता है ठीक है, है। उसके बाद अब हमारे पास आ जाता है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक फ्लैजला में क्या डिफरेंस होता है ठीक है अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक फ्लैजला प्रोकैरियोटिक फ्लैजला एंड यू क्रियोटिक फ्लेजुला प्रोक्रियोटिक फ्लेजुला एंड यू क्रियोटिक फ्लैजला प्रो क्रियोटिक फ्लैजुला किससे बना होता है प्रोक्रियोटिक फ्लैजला मेरे पास बना होता है फ्लैजुल प्रोटीन और जो यू क्रियोटिक है यू क्रियोटिक फ्लैजुला बना होता है मेरे पास आपका ये बना होता है. प्रोटीन, सॉरी ट्यूबलिन प्रोटीन ठीक है ये ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है अगर मैं पार्ट्स की बात करता हूं पार्ट्स की बात करते हैं तो अगर मैं प्रोक्रियोटिक फ्लैजिला की बात देखूँ तो प्रोक्रियोटिक फ्लैजला में सबसे पहले होता है मेरे पास आपका इसको बोलते हैं हम आपका बेसमेंट ठीक है ना Sea, अगर Judite, मैं प्रोक्रियोटिक फ्लैजला के मैं पार्ट्स की बात करता हूं तो सबसे पहले क्या आता है मेरे पास आपका इसको बोलते हैं हम आपका बेसल बॉडी ये मेरे पास आपका अटैच होता है बेसल बॉडी मेरे पास आपका अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है उसके बाद होता है उसमें मेरे पास आपका हुक हुक के बाद लगा होता है मेरे पास आपका फिलामेंट जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ठीक है उसके बाद आता है मेरे पास आपका जो यू क्रियोटिक होता है यू क्रियोटिक में क्या होता है सीधा बेसल बॉडी होती है प्लस इसमें सीधा फिलामेंट होता है ठीक है आ गया मेरे पास आपका ये प्रोक्रियोटिक क्रियोटिक फ्लैजुला प्रोटीन से मिलके बना होता है यू क्रियोटिक मेरे पास आपका ट्यूबलिन प्रोटीन से मिलके बना होता है फ्लैजिला तो क्या आता है बेसल बॉडी आता है हुक आता है और फिलामेंट आता है फिलामेंट इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट और इसमें मेरे पास आपका बेसल बॉडी और फिलामेंट प्रेजेंट होता है ये इनके बीच में डिफरेंस आ गया अब मेरे पास आपका नेक्स्ट आता है जो मेरे पास आपका बैक्टीरिया है जो मेरे पास आपका बैक्टीरिया है बैक्टीरिया शो रेंज इन नंबर एंड अरेजमेंट इन बैक्टीरिया शो रेंज एंड रेंज इन नंबर एंड अरेन्जमेंट ऑफ फ्लैजिला तो सबसे पहले आता है मेरे पास आपका अगर मैं फ्लैजुला के बेस पे देखूं तो सबसे पहले आता है मेरे पास आपका अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सिर्फ एक फ्लैजला है एक फ्लैजला है तो उसको बोलते हैं हम आपका मोनोट्राइकस ठीक है ना अगर मेरे पास इस तरीके का बैक्टीरिया है जिसमें मेरे पास आपका दो फ्लैजला है तो उसको बोलते हैं हम आपका एम्फी ट्राइकस एम्फी ट्राइकस अगर मेरे पास एक इस तरीके का फ्लैजला जिसमें क्या बंच ऑफ फ्लैजला है एक ही तरफ इसको बोलते हैं हम आपका सिर्फ फेलोट्राइकस अगर इस तरीके का फ्लैजला है जिसमें मेरे पास आपका दोनों तरफ ऐसे बंच ऑफ फ्लैजिला लगे हों इसको हम बोलते हैं आपका लोफोट्राइकस ठीक है ना सबसे लास्ट में आता है जिसमें कोई फ्लैजला ही नहीं लगा होता है उसको बोलते हैं हम आपका ए ट्राइकस इसके मेरे पास आपका एग्जाम्पल है दैट इज कॉल्ड कोकस ठीक है माइक्रो और साइनोबैक्टीरिया ये मेरे पास आपका वाला कंप्लीट हो गया ठीक है ना उसके बाद आता है सरफेस स्ट्रक्चर होता है मेरे पास आपका दो सरफेस स्ट्रक्चर और होते हैं एक होता है पिलाई एक होता है फिमरी देखो तो पिलाई कैसा होता है मेरे पास पिलाई सबसे पहली बात तो लेसिन नंबर होती है फिम्बरे मेरे पास आपका मोर इन नंबर होते हैं ठीक है मोर इन नंबर होते हैं मेरे पास आपका जो पिलाई होती है वो मेरे पास आपका ट्यूब शेप की होती है और जो फिम्बरे है वो मेरे पास आपका ब्रिसल शेप के होते हैं ठीक है जो मेरे पास पिलाई बनी होती है वो मेरे पास एक स्पेशल प्रोटीन से मिलके बनी होती है स्पेशल प्रोटीन जिसका नाम है पिलिन ठीक है और जो मेरे पास पिलाई किस में हेल्प करती है मेरे पास आपका पिलाई हेल्प करता है मेरे पास आपका ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है ठीक है ना और जो मेरे पास आपका फिम्बरी है फिम्बरे मेरे पास आपका शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं और ये मेरे पास आपका किस में हेल्प करते हैं मेरे पास ये अटैचमेंट अटैचमेंट इन होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म ठीक है ना अटैचमेंट इन होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म है ये हेल्प करते हैं ये क्या होता है मेरे पास आपका जो फ्लेजेला प्लस पिलाई प्लस फिमरी ये क्या है मेरे पास आपका तीनों मेरे पास आपका ये सरफेस स्ट्रक्चर है ये बॉल और सरफेस स्ट्रक्चर बट जो मेरे पास आपका फ्लैजिला है ये क्या करता है इसका रोल इन मोटेलिटी में होता है बट पिलाई जो मेरे पास आपका पिलाई है जो मेरे पास आपका पिलाई है और प्लस फिमरे है इन दोनों का मेरे पास आपका नो रोल इन मोटेलिटी भाई यही था आज तक ठीक है तो आज अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले हमने पढ़ा आपका सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है मेनली लिपिड बाइलेयर का बना होता है लिपिड में भी कौन सा फॉस्फोलिपिड होता है हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल होता है मेरे पास एक जो पोलर हेड है वो वाटर को अट्रैक्ट करता है और ये मेरे पास आपको वाटर को रिपेल करता है सेल मेम्बर सेमी परमेबल इन नेचर की होती है हो और इंटरेक्ट करती है मेरे पास बाहर के वर्ल्ड के साथ ठीक है ना अब पहले सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिवली परबल क्या होता है सेमी परमेबल वो होता है जिसमें से सिर्फ वाटर पास होता है बट सॉल्यूट पास नहीं हो पाता सेलेक्टिवली परमेबल क्या होता है मेरे पास जिनमें से मेरे पास आपका वाटर तो पास होता है बट कुछ सोल्यूट भी पास होता है सोल्यूट भी वो जिनके सिर्फ चैनल प्रजेंट होंगे और सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेरे पास सेम फंक्शन और स्ट्रक्चर का होता है मेरे पास आपका दोनों सेल में प्रोक्रियोटिक में भी तो यूक्रियोटिक में भी ये सेम का होता है मेरे पास आपका फिर हमने पढ़ा आपका पहले सरफेस स्ट्रक्चर में आता है मेरे पास आपका फ्लैजुला क्या फ्लैजुला मेरे पास सारे के सारे बैक्टीरिया में होता है गलत क्या मेरे पास फ्लैजुला सिर्फ प्रोक्रियोट्स में होता है हाँ और फ्लैजिला यूक्रेट्स में भी होता है हाँ बैक्टीरिया की जो मूवमेंट है अगर वो फ्लैजिला के थ्रू हो रही है तो उसको हम बोलते हैं एक्टिव मूवमेंट अगर मेरे पास बैक्टीरिया मूव कर रहा है थ्रू वाटर तो उसको हम बोलते हैं आपका पैसिव मूवमेंट ठीक है ना अब थोड़ा फ्लैजिला को डीप में पढ़ा थोड़ा तो थो फ्लैजिला एक सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो मोटेलिटी में हेल्प करता है यानी कि मूवमेंट एंड अगर सेल मोटाइल है अगर कहीं लिखा है, motile, मतलब उसमें फ्लेजिला है। अगर कहीं लिखा है सेल इज नॉन मोटाइल मतलब उसमें फ्लैजुला एबसेंट है कि एक एग्जाम्पल है मेरे पास यूनिसेल है कल माइडोमनास प्रेजेंट होता है और दो फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं ठीक है अब आता है मेरे पास कि प्रोक्रियोटिक और यूक्रियोटिक फ्लैजिला में डिफरेंस क्या होता है प्रोक्रियोटिक फ्लैजिला फ्लैजिलिन प्रोटीन का बना होता है मेरे पास आपका इसके जो फ्लैजिला के जो पार्ट्स होते हैं ये आता है मेरे पास आपका बेसल बॉडी जो अटैच होता है मेरे पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फिर आता है हुक फिर आता है फिलामेंट फिलामेंट इसका सबसे लंबा पार्ट होता है यूक्रियोटिक फ्लैजिला की जब हम बात करते हैं तो यूक्रियोटिक फ्लेजिला मेरे पास आपका ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है मेरे पास आपका और इसके सिर्फ दो पार्ट होते हैं मेरे पास आपका बेसल बॉडी और फिलामेंट ठीक है उसके बाद मेरे पास आपका आ जाता है कि बैक्टीरिया क्या है बहुत रेंज बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे पास किसके बेस पे नंबर एंड फ्लैजिला के बेस पे अगर मेरे पास कोई बैक्टीरिया है जिसमें सिर्फ एक ही फ्लैजिला लगा है ये क्या है मेरे पास आपका फ्लैजिला अगर किसी में एक ही फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस अगर दो है एम्फी बंच है मेरे पास एक ही तरफ उसको बोलते हैं सिफेलो अगर मेरे पास दोनों तरफ मेरे पास बंच है फ्लैजिला है तो उसको बोलते हैं आपका लोफोट्राइकस सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेरे पास ए ट्राइकस जिसमें कोई फ्लैजरा ही नहीं होता है उसको बोलते हैं ए ट्राइकस इसके मेरे पास आपका कुछ एग्जाम्पल है कोकस माइकोप्लाज्मा प्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया उसके बाद आ जाता है मेरे पास आपका ये जो मेरे पास है पिलाई और फिमरे ये भी मेरे पास सरफेस स्ट्रक्चर है जब हम पिलाई की बात करते हैं तो पिलाई लेस इन नंबर होते हैं मेरे पास आपका ट्यूब शेप के होते हैं मेरे पास एक स्पेशल प्रोटीन जिसको बोल दिया जाता है पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं और किस में हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं किसके थ्रू ये कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाते हैं ठीक है ना और फिर मेरे पास आता है फिम्बरे फिम्बरे मेरे पास एक ब्रिसल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है नंबर थोड़े ज्यादा होते हैं इनके है ना और ये अटैचमेंट इन होस्ट एंड ऑर्गेनिज्म अटैचमेंट में हेल्प करता है जो फ्लैजिला होता है मेरे पास आपका फ्लैजिला हेल्प करता है मेरे पास आपका मोर्टेलिटी में जबकि पिलाई और फिम्बरे इनका कोई रोल नहीं होता है मोर्टेलिटी में ठीक है अब हम करते हैं एनसीआर डी रीड

उसके बाद हमने स्टार्ट किया था फ्लैजिला तो फ्लैजिला मेरे पास यहाँ पे देखो बैक्टीरियल सेल यहाँ देख सकते हैं आप बैक्टीरियल जो मेरे पास आपका सेल है ये मेरे पास है आपका बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल देखो मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल बैक्टीरियल सेल मोटाइल यानी कि उसमें फ्लैजिला हो भी सकता है तो उसमें फ्लैजिला नहीं भी हो सकता है मेरे पास आपका अगर ये मोटाइल है तो उसमें थिन फिलामेंटस कुछ एक्सटेंशन होते हैं फ्रॉम दियर सेल वॉल सेल वॉल से क्या होगे, कुछ ऐसे धागे से थ्रेड लाइक एक्सटेंशन बाहर निकले होंगे जिनको हम बोलते हैं फ्लेजिला, ठीक है ना बैक्टीरिया शो आ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला ये भी आपको लाइन कराएगी बैक्टीरिया बैक्टीरिया फ्लैजिला फ्लैजिला इज ऑफ जो यानी कि किस में आता है प्रोक्रियोट्स में तो बैक्टीरियम फ्लैजिला इज कम्पोज ऑफ थ्री पार्ट्स पहले नंबर पर आता है फिलामेंट फिर आता है हुक फिर आता है बेसल बॉडी है ना द फिलामेंट क्या है लॉन्गेस्ट पोर्शन है मेरे पास आपका ठीक है ना और एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड और एक्सटेंड करता है सेल के सरफेस से बाहर तक अगर मैं फ्लैजिला बिसाइड फ्लैजिला फ्लैजिला के अलावा बात करते हैं पिलाई एंड फिम्बरे क्या है मेरे पास आपका सरफेस स्ट्रक्चर है बट बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले आर रोल इन मोर्लिटी ये भी लिखा है लास्ट में आपको कि जो पिलाई एंड फिम्बरे है वो एक सरफेस स्ट्रक्चर है बट उनका मोर्लिटी में कोई रोल नहीं है पिलाई कैसे है? होते हैं देखो ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं स्पेशल प्रोटीन से बने होते हैं जिसका नाम है पिलीन फिमरे क्या होते हैं ब्रिसल शेप्ड होते हैं मेरे पास आपका फाइबर स्प्राउटिंग आउट स्प्राउट बाहर को निकले होते हैं मेरे पास ब्रिसल की शेप की तरह ठीक है ना कुछ बैक्टीरिया में दे आर नोन टू हेल्प और किस में हेल्प करते हैं मेरे पास अटैचमेंट इन जैसे रॉक्स होस्ट ऑर्गेनिज्म उसमें मेरे पास हेल्प करते हैं ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना का था अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तब तक के लिए ओके बाय थैंक यू